Students, I welcome you all into the online classes of SGUI. In the last class, we have started exercise 1A of number system and we have completed it question number 5. Today, I will be starting with question number 6. In question number 6, it says, write each of the following in the expanded form. Question number 6. इसमें आपको जो numbers दिए हैं, उनको expanded form में लिखना है. Expanded form को कैसे लिखते हैं? चलिए एक question I am doing for you. Question number 6 first part, it is written 5, 16, 287. okay. और आपको इसको किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. okay. तो आप फिर से वही करो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड लैक. ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? इस ये जो 5 है किस प्लेस पे है? इट इज एट द लैक्स प्लेस. तो आप क्या लिखोगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लैक. ठीक है, देन प्लस दिस वन इज एट 10,000 प्लेस, विल बी राइटिंग 1 into 10,000. देन प्लस दिस 6 इज एट 1,000 प्लेस, 6 मल्टीप्लाई बाय 1,000. ओके, देन प्लस देन दिस 2 इज एट 100 प्लेस, विल बी राइटिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, देन प्लस दिस 8 इज एट 10 प्लेस, विल बी राइटिंग 8 मल्टीप्लाई बाय 10. प्लस दिस 7 इज एट 1 प्लेस और यूनिट्स प्लेस, देन विल बी राइटिंग 7 मल्टीप्लाई बाय 1. एंड दिस विल बी द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. ओके, सो सिमिलरली यू कैन कंप्लीट ऑल द अदर क्वेश्चंस, ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई विल मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 इसका रिवर्स करना है आपको, ना? एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है आपको और उसको नंबर के फॉर्म में लिखना है. ओके, सो आई एम डूइंग वन फॉर यू, दैट इज आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट. इट इज रिटन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, देन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, देन प्लस 3 into 10, then plus 6 into 1. लिखा है 6 into 1 lakh, then 6 into 1000. तो हाईएस्ट प्लेस क्या है यहाँ पे? लैक की प्लेस हाईएस्ट है. तो यहाँ पे आप ऐसे ऑर्डर बना लो ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड लैक. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो हाईएस्ट यूनिट, हाईएस्ट प्लेस है किसी नंबर की, वो लैक्स प्लेस है, इसलिए हमने लैक्स तक का बना लिया. ठीक है, अब लैक, 1 lakh की प्लेस में क्या लिखना है आपको? 6 लिखना है. 10,000 की प्लेस में देखिए कुछ नहीं है ना, तो 0 लिख देना है. थाउजेंड की प्लेस पे 6 है तो 6 लिख देना है. 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 लिख देना है. और 10 प्लेस पे 3 है तो 3 लिख देना है. 1 प्लेस पे 6 है तो 6 लिख देना है. एंड दिस विल बी योर आंसर. इट इज 6,06,036. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 8. अगेन इट सेज राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन क्वेश्चन नंबर 8 इट सेज सक्सेसर लिखने हैं आपको ना. सक्सेसर का मतलब होता है कि एक आगे. जैसे 9 का सक्सेसर क्या होता है? 10 होता है ना. सक्सेसर ऑफ 9 इज 10. कैसे पता चला? 1 ऐड करके. सक्सेसर का मतलब होता है जस्ट आगे वाला ना नंबर, विच इज प्रीसीडिंग द एक्सीडिंग द अदर नंबर. इट विल बी 9 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 10. ओके, सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसर्स. एक क्वेश्चन कर देता हूँ, इसके पार्ट सेकंड में लिखा हुआ है. इन क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सेकंड लिखा है, यू हैव टू राइट द सक्सेसर ऑफ 1099. ठीक है, 1099 का आपको क्या लिखना है? सक्सेसर लिखना है. तो इट विल बी 1099 प्लस 1. और 1099 में आप 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 1100. एंड दिस विल बी द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर. ओके, द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू योर बाय योरसेल्फ. ओके, मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन है प्रेडिसेसर लिखने. ठीक है, यू हैव टू राइट द प्रेडिसेसर्स.
प्रेडिसेसर जैसे नंबर, जैसे नाम का मतलब ही समझ में आ रहा है, प्री, प्री मतलब एक, पहले, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे इसमें प्रेडिसेसर लिखना है आपको 32,000 का, ठीक है। 32,000 का प्रेडिसेसर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस वन करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब कि वन उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप कर पाते हो सही है, वरना आप बगल में सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। 32,000 में वन सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो कितना आएगा, 31,999 विल बी योर आंसर, ओके। तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली इन क्वेश्चंस में। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू राइट द प्रेडिसेसर्स, ठीक है। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन नंबर 10 इट सेज राइट द होल नंबर हूज सक्सेसर इज, राइट द होल नंबर हूज सक्सेसर इज, मतलब जो गिवन है उसका, वो किसका सक्सेसर है ये बताना है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या किया था, सक्सेसर लिखा था किसी भी नंबर का, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, वो नंबर दिया होगा एक, और आपको बताना होगा कि वो नंबर किस नंबर का सक्सेसर है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लिखा हुआ है तो आपको बताना है कि 100 किस नंबर का सक्सेसर रहा होगा, 99 का सक्सेसर रहा होगा ना, मतलब एक स्टेप आपको पीछे जाना पड़ेगा तब 99 आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब ऐसा पूछे कि राइट द होल नंबर हूज सक्सेसर इज, मतलब सक्सेसर दिया हुआ है लेकिन वो नंबर बताना है जो इसका, जिसका ये सक्सेसर रहा होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस वन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है कि 6,299, ये किस नंबर का सक्सेसर रहा होगा, माइनस वन में पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है वो 6,298 का सक्सेसर रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, सारे पार्ट्स में माइनस वन करना होगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, बस आपको बताना है कि वो नंबर जो किसी नंबर का क्या रहा होगा, प्रेडिसेसर, ठीक है। लिखा हुआ राइट द होल नंबर हूज प्रेडिसेसर इज, ठीक है। अब आपको प्रेडिसेसर दिया जाएगा यहाँ पे और बताया जाएगा कि वो किस नंबर का प्रेडिसेसर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा है 1000, ठीक है, 1000 किसका प्रेडिसेसर है, मतलब किसके पहले आता है बताइए। 1000 सिंपल सी बात है कि 1001 के पहले आता है, ठीक है। इसका मतलब जो 1000 है वो 1001 का प्रेडिसेसर रहा होगा, इसका मतलब इसमें जो आंसर निकलेंगे वो प्लस वन करके निकलेंगे, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट डू प्लस वन इन एवरी पार्ट, ओके। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, इन क्वेश्चन नंबर 12 इट सेज राइट डाउन द थ्री कंसेक्यूटिव होल नंबर्स सक्सीडिंग 72,597। बोला जा रहा है कि आपको 72,597 के थ्री कंसेक्यूटिव होल नंबर्स लिखने हैं जो इसको सक्सीड कर रहे हो, मतलब कि ये जो इससे आगे रहे हो। लगातार तीन नंबर लिखने हैं तो मतलब पहले इसमें क्या करोगे आप, प्लस वन करोगे, फिर क्या करोगे, प्लस टू करोगे, और फिर क्या करोगे, प्लस थ्री करोगे। ऐसे करने पे आपको तीन लगातार वो नंबर्स मिल जाएंगे जो इस नंबर को क्या कर रहे होंगे, सक्सीड कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाता कि 100 को सक्सीड करने वाले तीन कंटिन्यूस नंबर बताइए तो क्या होता, 101 होता, फिर 102 होता, और फिर 103 होता। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर, दैट मींस एक के बाद एक आने वाली वैल्यूज, ठीक है। और सक्सीड बोला जा रहा है इसका मतलब आगे की वैल्यूज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप ऐसे कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 13, विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 14 इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।